तो आज मैं आ गया हूँ एक बिजनेस की तलाश में उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पर आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ बैटरी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में। अगर आपको बैटरी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करना है, बहुत सारे व्यूवर्स मेल्स में, कमेंट बॉक्स में और मैसेजेस में मुझे पूछते रहते कि सर हमें जो बैटरीज हम लोग यूज़ करते हैं बैटरी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में डिटेल जानकारी दीजिए, तो अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा ए टू जेड जानकारी आज मैं दूंगा। तो इसी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की डिटेल जानकारी लेने के लिए मैं आ गया हूँ पावर एक्स कंपनी से, मिस्टर देवेंद्र सिंह सर से मिलने और मिस्टर आरिफ सर से मिलने, जहाँ पर सर हमें बताएंगे कि कैसे आप ये जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है कैसे शुरू कर सकते हो। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो सर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ही क्यों करना चाहिए, क्या फंडा है? बैटरी मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली लग्जरी अब बची नहीं, अच्छा अब ये नेसेसिटी हो गई है, बट अभी क्या है कॉमन हो गई है, राइट। सभी को पता है कि मेरे बच्चे को पढ़ने का भी है, पंखा नहीं चल रहा, लाइट नहीं चल रही, तो ये शिफ्ट हुई है ओवर द ईयर्स, राइट, लग्जरी से नेसेसिटी में। ओके। जैसे आप बिजली का कनेक्शन घर पे लगाते हैं तो अभी जिस दिन भी आप घर बनाते हैं या खरीदते हैं या किराए पे भी रहते हैं, तब सबसे पहले आप अपना पावर बैकअप देखते हैं, राइट। तो उसमें बैटरी यूज ज्यादा होती है, ऑब्वियसली उसमें बैटरी यूज होगी, बिना उसके पावर बैकअप नहीं मिलेगा आपको। अभी जैसे सोलर का भी चल रहा है, तो सोलर में भी आपको पावर बैकअप तो चाहिए, दिन में तो चलो सूरज काम करेगा, रात को कौन करेगा, तो रात को बैटरी काम करेगी। और सर बैटरीज कितने टाइप की होती है, अभी जैसे हम लोग बैटरी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में बताएंगे हमारे व्यूअर्स को, तो अभी आज हम लोग कौन से बैटरी के बारे में बताएंगे? देखिए तीन मेजर सेगमेंट है, अच्छा, एक ऑटोमोटिव विच मींस टू व्हीलर छोड़ के थ्री व्हीलर्स फोर व्हीलर्स में जितनी भी बैटरी लगती है, विच इंक्लूड्स कार ट्रक एनीथिंग, अच्छा, यू थिंक अबाउट जनरेटर, जो लोग जनरेटर रखते हैं वहाँ पर भी बैटरी लगती है, ये एक सेगमेंट है जिसको हम ऑटोमेटिव बैटरीज कहते हैं। दूसरा सेगमेंट है पावर बैकअप सेटअप विच जिसको हम इन्वर्टर बैटरीज कहते हैं, जो इन्वर्टर में लगती है, यूपीएस में लगती है, okay. दो सेगमेंट में लगती है। और तीसरा सेगमेंट है सोलर का, जो अभी ग्रो कर रहा है बहुत तेज़ी से, हाँ। तो सोलर सेगमेंट में आपने देखा होगा जो स्ट्रीट लाइट लग रही है या जो भी लग रही है वो बैटरी बैकअप से ही लगती है, दिन भर बैटरी चार्ज होती है, शाम को लाइट इन्वेलमेंट करती है। तो मेजर सेक्टर अभी ये तीन है। अभी एक नया सेगमेंट आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे जनरली लेड एसिड बैटरी नहीं लगती है, लेकिन हाँ ई रिक्शा पे या उस टाइप के जितने भी फॉर्मेट्स हैं, ई रिक्शा में भी डंपर भी आते हैं, लोडर भी आते हैं, सारी चीज़ें आती हैं, तो उसमें ये वाली बैटरी लगती है। अच्छा। तो मोर और लेस ये चार सेटअप हो गए मोटा मोटा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि बैटरी असेंबलिंग यूनिट और मैन्युफैक्चरिंग में मशीन थोड़ा सा ज़्यादा पावर लेता है, इसके लिए यू शुड हैव योर ओन सब स्टेशन विच कॉल्ड ट्रांसफार्मर, ओके, दैट इज 65 केवीए, ओके, वेयर इन यू आपको जो लोड चाहिए वो चाहिए करीब करीब मिनिमम ऑफ 32, ओके, सो वी हमने 65 रखा है इसको। अच्छा। ये पूरा ये एरिया है, दैट इज ये करीब 4500 स्क्वायर फीट का एरिया है, ओके, तो चलिए मैं आपको सारा दिखाता हूँ। तो सर अब ये एरिया कितना लगता है, समझो किसी को बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टार्ट करना था तो एटलीस्ट 4000 स्क्वायर फुट जगह चाहिए, और ये आपकी जो है वो कितनी जगह है? 4500 स्क्वायर फुट है। 4500 स्क्वायर फीट इज द कवर्ड एरिया एंड वी हैव अराउंड 400 स्क्वायर फीट जो पीछे का बैकयार्ड एरिया है, एंड लोकेशन इज वेरी प्राइम, हल्द्वानी उत्तराखंड में। तो हमने स्टार्ट किया था बैटरी का ब्रांड जो है पावर एक्स के नाम से, आइडिया ये था सिर्फ कि हमारे यहाँ पे बिजली काफ़ी जाती है और यूपी में भी काफ़ी जाती है, उत्तराखंड में भी, सो दैट उसको कॉम्पनसेट कर सकें, इसके लिए पावर एक्स नाम रखा था। जनरली हम लोग ऑल ऑटोमेटिव बैटरीज राइट फ्रॉम कार टू डंपर और ट्रक्स एंड हैवी ट्रक्स ऑल्सो, और उसके अलावा इन्वर्टर बैटरीज, सोलर बैटरीज, इस अभी फ़िलहाल हम इतनी किस्म की बैटरी बनाते हैं, करीब अगर हम एज के हिसाब से जाएँ या बाकी लोड के हिसाब से जाएँ तो करीब हम 40 किस्म की बैटरीज बनाते हैं, 40। ओके। सारे टाइप के बैटरीज हम लोग इस प्लांट में बना सकते हैं? सारे टाइप के बैटरी बना सकते हैं। बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, एक तो है रॉ मटेरियल, आपको सोर्स कहाँ से करना है, एट द सेम टाइम क्वालिटी भी देखनी है, राइट। रॉ मटेरियल क्या लगता है सर? हाँ, तो जब दो प्रोसेस हैं इसमें, एक तो मेजर तो लेड है, मेजर तो लेड है बिकॉज इट्स अ लेड एसिड बैटरी। तो अभी हम लोग कौन सी बैटरी दिखाने वाले बना रहे? लेड एसिड बैटरी दिखा रहे हैं, इन्वर्टर की। इन्वर्टर में यूज होती है, रिचार्जेबल, सारी बैटरी रिचार्जेबल होती है, गाड़ी में भी जो आप बैटरी लगाते हैं वो भी रिचार्जेबल होती है, ठीक, प्रोसेस थोड़ा सा सबका अलग अलग होता है, बस इतना फर्क। अभी हम लोग इन्वर्टर बैटरी दिखा रहे हैं, अभी आपको इन्वर्टर बैटरी दिखा रहे हैं। और बैटरी की सबसे नेगेटिव पार्ट एक और है, वो मैं पहले बता देता हूँ, वो ये है कि अगर आपकी रिप्लेसमेंट वैल्यू 5% 10% से ऊपर गई तो यू विल बी मेकिंग अ लॉस। अच्छा। और हमारी रिप्लेसमेंट वैल्यू 1% है सिर्फ। अच्छा। उसको मैं दूसरे साधारण शब्दों में समझाऊँ तो
100 बैटरी में से एक बैटरी हमारे पास वापस आती है। तो वहाँ पे हमारी जीत है, जहाँ पे वो एक बैटरी से 10 बैटरी गई तो हमारा लॉस है फिर। बैटरी बेसिकली दो प्रोसेस में बनती है, एक है प्लेट मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा है बैटरी असेंबलिंग, राइट। अगर तो आप प्लेट खुद बनाते हैं तो आपका क्वालिटी भी आपके हाथ में है, मटेरियल भी आपके हाथ में है, वेट भी आपके हाथ में, सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में रहती हैं। और असेंबली ऑब्वियसली आपके हाथ में है तो उसमें कोई इशू नहीं है, असेंबली यूनिट का ज़्यादा रोल नहीं है इस केस में। लेकिन हाँ, अगर आप प्लेट आउटसोर्स करते हैं, किसी और कंपनी से मंगाते हैं, जो प्लेट मैन्युफैक्चरर है उनसे मंगाते हैं, तो आपका वहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं रहता, उसका इफेक्ट फिर बाकी चीज़ों पे आता है। मतलब वो अपन डिपेंड हो जाते हैं कि किसी पे डिपेंडेंट होते हैं, हमें नहीं पता उसने क्या बनाया है। लेकिन हम हमारा जब हम प्लांट में बैठे हैं, हम खुद देख रहे हैं क्या बना रहा है क्या नहीं बना रहा, तो क्लैरिटी रहती है। तो सर रॉ मटेरियल क्या लगता है सबसे मेन चीज़ है इसमें, प्लांट बैटरी मैन्युफैक्चर करने में रॉ मटेरियल क्या लगता है? देखिए, सबसे मेजर रॉ मटेरियल है लेड है। ओके। और लेड वेरी करता है रेट्स में भी। उसके बाद लेड किस फॉर्म में आता है? लेड ब्रिक्स की फॉर्म्स में आता है बेसिकली। ओके। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको ब्रिक दिखा दूंगा, ब्रिक्स इतनी बड़ी ब्रिक होती है, उसके फॉर्म में आता है। ये बैटरी की जाली है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जाली बनानी होती है, ये जाली बनानी होती है, सारा लेड का प्रोसेस है। इसके बाद इसके ऊपर हम इम्प्लांट करेंगे केमिकल्स, रेड ऑक्साइड और वाइट ऑक्साइड वगैरह, बहुत सारी 5-7 किस्म के केमिकल लगते हैं विद एसिड मिक्सचर। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ जाली कैसे बनती है और इसकी मशीनरी क्या है। ये बैटरी की जो जाली है, इसका पहला प्रोसेस है, ये फर्नेश है। थोड़ा पीछे हो जाए, गर्म है अभी थोड़ा सा। तो ये फर्नेश है, इसमें हमने लेड को मेल्ट करा है। लेड को मेल्ट, लेड का मतलब ब्रिक होता है, वो हम लोग इसमें डालते हैं। इसमें ब्रिक डालते हैं, इसको मेल्ट करने के बाद ये इससे हम उसमें सामने डाई है। ओके, ये मेल्ट हुआ लेड है क्या? हाँ, जी ये मेल्ट लेड है। ओके। उसमें हम डाई में डालेंगे तो जाली प्रोड्यूस होगी वहाँ से। ओके। थोड़ा सा टाइम लगता है उसको सेट होने में, क्योंकि मेल्टेड जो लेड है उसको थोड़ा सा सेट होने में टाइम लगता है। ओके। अभी इसके अंदर लेड चले गया, मतलब कैंडल जैसा होता है, जैसे कैंडल को पिघला के हम लोग। एग्जैक्टली, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि हमने उसी टाइम फर्नेस खोल दिया और वो काम हो गया। ओके। तो इसे हम जनरली डाई बोलते हैं। ये भी अलग किस्म की आती है, हर बैटरी के लिए अलग डाई बनती है इसके लिए। अभी मैं कोशिश करता हूँ खोल के दिखा रहे हैं आपको। ये आपकी एक जाली तैयार होगी, ये पहला प्रोसेस कम्प्लीट हो गया, ये पहला प्रोसेस हमारा कंप्लीट हुआ। अभी आपने पीछे देखा था जाली बनने का, राइट। अब इस टेबल पे आता है जाली यहाँ पे। ओके। इसके ऊपर हम रेड ऑक्साइड, वाइट ऑक्साइड, एसिड के साथ एक मिक्सचर बनाते हैं जो इस मशीन से प्रोसेस होता है। अच्छा, ये मशीन में हम लोग पहले जो केमिकल्स जो मिक्स कर लेते हैं, सारे केमिकल्स। कौन से केमिकल्स होते हैं? रेड ऑक्साइड, वाइट ऑक्साइड और एसिड के साथ मिला के, फॉस्फोरस भी डालते हैं, बाकी सारी चीज़ें डालती हैं। ओके, एक लिक्विड की तरह बन जाएगा, एक पेस्ट बन जाता है बेसिकली। ओके। आप जैसे बाकी चीज़ों का पेस्ट बनाते हैं, वो पेस्ट बन जाता है, उस पेस्ट को हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं इस तरीके से। ओके। एक पेपर नीचे लगाते हैं, एक पेपर ऊपर लगाते हैं, सो दैट वो जो पेस्ट है वो टेबल के साथ ना चिपके, राइट। तो इस पे पेस्ट अप्लाई करने के बाद, जो पेस्ट है उसको इसमें डालने के बाद हम इसके ऊपर रखते हैं और उसको इस तरीके से कवर कर देते हैं। ओके। इसके बाद ये जाता है मशीन में, जिसे हम प्रेस मशीन कहते हैं बेसिकली, ताकि पेस्ट इक्वली, मतलब पूरे जाली में जो हमारा पेस्ट है वो पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और सप्रेस हो जाए। ओके। दोनों चीज़ें एक साथ, कहीं कोई जाली में कोई गैप ना रहे, राइट। तरीके से जाएगा। ओके। अब ये आपकी प्लेट इक्वली सप्रेस हो गई है और सारा मटेरियल बराबर हो गया, तो जो प्लेट का वो आएगा वो इस तरीके से आएगा। अच्छा, पहले जाली जाली थी, फिर केमिकल इसके ऊपर पेस्ट लग गया, सारा पेस्ट हो गया, तो वो पूरा जाली भर गया। आप देखोगे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट, इस साइड से भी पूरा जाली भर गया, जाली भर गया। ओके। तो क्वालिटी में ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है। ओके। अब जब आप बाहर से आउटसोर्स करते हो, कई बार आप ऐसे करोगे तो मसाला झड़ जाने का, मसाला मतलब पेस्ट निकल जाएगा, पेस्ट निकलता है, लेकिन आप इसको कितना भी ठोकोगे पेस्ट नहीं निकलेगा। ओके। आपको दिख रहा है कहीं से पेस्ट निकलता हुआ तो देख लो। ये प्लेट ही सबसे मेन होती है, ये ही बैटरी की जान भी है, दिमाग भी है, सब कुछ है। ओके। जान यही है, बाकी कुछ नहीं। बैटरी में जनरली सर्किट कंप्लीट करने के लिए दो टाइप की प्लेट्स लगती हैं। अभी जो मैंने आपको बना के दिखाई थी वो थी ये नेगेटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, इसे हम स्टैंडर्ड प्लेट कहते हैं। ओके। और ये ट्यूबलर प्लेट है, ट्यूबलर इसलिए कि आपको इसमें ट्यूब्स जैसे दिखाई देंगी। तो ये दोनों टाइप की प्लेट्स बैटरी में लगती है, दोनों टाइप की लगती है, एक नेगेटिव लगेगी एक पॉजिटिव। और ये जो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है ना, अभी एज ऑफ नाउ ये पॉजिटिव है। Okay. ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव भी सेम प्रोसेस से बनेगी, लेकिन फर्क ये है सेम प्रोसेस है, सिर्फ डाई अलग रहेगा, डाई अलग रहेगा, प्रोसेस ये ट्यूबलर है।
ओके, इसमें आपको ट्यूब्स दिखाई दे रही हैं, राइट। अभी आपने प्लेट का प्रोसेस पूरा देख लिया, आपको बताया था नेगेटिव और पॉजिटिव दो प्लेट्स होती हैं, राइट। ये एक, इसको जनरली बैटरी की भाषा में कंघी बोला जाता है। अच्छा, कंघी। कंघी का मतलब ये है कि ये इसके डायमेंशंस फिक्स हैं, सारी चीज़ें फिक्स हैं। मतलब जिस टाइप के हम लोग बैटरी बने उस टाइप का पूरा ये डाई आ जाएगा, पूरा बॉडी आ जाएगा। अगेन हर बैटरी की कंघी अलग होगी। ओके, डायमेंशन के हिसाब से, प्रोसेस के हिसाब से, बाकी सारी चीज़ों के हिसाब से, राइट। तो ये जो पूरा बॉडी बना बना है, ये पूरा बना बना मिलता है कि हमें खुद बनाना? नहीं, ये स्क्रू वगैरह डाल के? नहीं नहीं, ये बड़ी टेक्निकल चीज़ है, अगर इसको ढंग से नहीं बनाया गया तो पूरे बैटरी में प्रॉब्लम है। तो ये पूरा स्क्रू वगैरह डाल के पूरा सब ये बना आ जाता है? कहाँ से मिलता है ये? अभी तो हम दिल्ली से सोर्स कर रहे हैं। ओके, लेकिन इसमें भी एक प्रोसेस है कि अगर आपने किसी से भी बनवा लिया तो आपके बैटरी में प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। तो कोई एक्सपर्ट होगा जिसको पता है एग्जैक्टली टेक्निकली, वही बना पाएगा इसको, नॉर्मल आदमी नहीं बना पाएगा, राइट। आप तो फिर वैसे गाइड कर ही दोगे हमारी? अगर मैंने कहा इसको कॉपी करनी है तो कॉपी वाला काम चलता नहीं है यहाँ पे, जो एक्सपर्ट है वही बना पाएगा। सेम कंघी आपको भी दिखाया था मैंने, अब आप देखेंगे इसमें, देखिए सारे के सारे जो बैटरी के मोड्स है ये इक्विवेलेंटली फिट है। ओके, अब आपकी रीढ़ की हड्डी कंप्लीट हो गई है। ये मतलब हमारी जो प्लेट है ना, हम इसका एक टॉप खोलते हैं। ओके, ये नेगेटिव प्लेट्स है, ये जो हम लोगों ने प्लेटें बनाई थी, जो प्लेटें बनाई थी अभी, अब हम इसको इस तरीके से फिक्स करते हैं। ओके, ओके, आप देख रहे हैं इक्वलेंट डिस्टेंस है सबके बीच में, डिस्टेंस में भी कोई वो नहीं है, और ये बिल्कुल फिट आ रहा है। अगर इसमें माइनस प्लस कुछ होता है तो हम ये प्लेट हटा के फेंक देते हैं, दूसरी प्लेट बनाते हैं। ओके, मतलब ये साइड हमारी नेगेटिव प्लेट्स आ गई, उस साइड ये साइड हमारी पॉजिटिव आ गई, और हमारी ये बैटरी का भी एक, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हड्डियां पूरी तैयार हो गई, बैकबोन तैयार हो गया, राइट। इसको डालने के बाद फिर हम इसको वापस स्क्रू करते हैं यहाँ पे, ओके, और सेट करते हैं। बेसिकली इसको बैटरी की भाषा में बिस्किट बोलते हैं। ओके, ये क्या है कि जो दो टर्मिनल्स होते हैं नेगेटिव पॉजिटिव वाले, उसको जोड़ने का काम करता है। ओके, बैटरी के अंदर जब हम एक स्पेसिफिक सर्किट मेंटेन करते हैं उसको जोड़ने का काम करता है। अगेन ये प्योर लेड से बनती है। अच्छा, लेकिन ये मैनुअल ही बनती है। मैनुअली बनती है? हाँ, मतलब यहाँ पे हमारा लेड लिक्विड हुआ, ये डाई है, इस डाई में हमने डाला, अभी आपको खोल के दिखाएंगे। सोने जैसा ही, सोना डाला तो एग्जैक्टली एग्जैक्टली वैसे ही वाला हिसाब है, राइट। सोने के बिस्किट बोलते हैं ना, इसको भी बिस्किट बोलते हैं हम लोग। अच्छा, मतलब बैटरी मैन्युफैक्चरर में इट्स कॉल्ड बिस्किट, लेड के बिस्किट, लेड के बिस्किट। ओके, और सिमिलरली इसमें दूसरी चीज़ भी बनती है जिसे हम पोल डाई कहते हैं बेसिकली। ओके, okay. आपने देखा होगा टर्मिनल लगे होते हैं ना बैटरी में आपके, हाँ हाँ हाँ, तो ये टर्मिनल होता है वो बेसिकली, एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है। ओके, okay. जो पूरा सर्किट कंप्लीट करता है और कैरी करता है। तो ये वाला टर्मिनल ना, ये तो एडिशनल टर्मिनल, इसको पोल डाई कहते हैं हम। ओके, ये टर्मिनल है, दोनों चीज़ें इसी प्रोसेस में बनती हैं। मतलब ये डाई में डालो लिक्विड और फिर थोड़ी देर के बाद, मतलब हार्डली 5-10 सेकंड के बाद वो जब हो जाता है उसको आप खोल लो तो बना। अभी आपको दिखाया था ये बेसिक स्ट्रक्चर है जिस पे हमने बॉडी फिट करी थी, स्केलेटन फिट करा था, अभी ये फाइनल स्टेटस है, इसके बाद ये वेल्डिंग पे जाएगा। ओके, मतलब ये सारी जो हम लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो गया, अभी उसमें हम लोग फिटिंग करेंगे। अब फिटिंग करेंगे इसकी। अब आप देख सकते हैं प्लेट्स को हम लोग वेल्ड कर रहे हैं, और वेल्ड होने के बाद ये सारे प्लेट और ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, सारे पार्ट्स परमानेंटली फिक्स हो जाएंगे। जी जी जी। तो सर अभी सबसे मेन चीज़ इसमें तो लेड ही है। जी, लेड से ही सारी चीज़ें बन रही है। जी, जाली भी बन गई, ऊपर का बिस्किट भी बन गया। जी जी जी। तो लेड कितने रुपए किलो मिलता है मार्केट में, मार्केट प्राइस क्या है राजपूत सर? लेड का प्राइस जो है वेरी करता है, 90 रुपये से लेके 150 रुपये तक, क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है और मार्केट में क्या अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से रेट फ्लक्चुएट करता है। तो आप मान के चले तकरीबन 125 रुपये के आसपास और 150 के आसपास वो जाता है। रॉ लेड जो आता है वो ब्रिक के फॉर्म में होता है और मेल्ट करने के बाद उसको जो भी कंपोनेंट रिक्वायर्ड है वो उस हिसाब से बनाया जाता है। अभी ये वेल्डिंग का प्रोसेस हम कर रहे हैं। तो सर इसका सारा ट्रेनिंग आप दे दोगे ना हमारे व्यूअर्स को, अगर किसी को ये बिजनेस शुरू करना है? बिल्कुल 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 सर। अब देखिए हार्डली फ्यू सेकंड्स और ये इसको हम इस पीसेस में निकालेंगे। ओके, ये प्लेट्स वेल्ड होके आ गई हैं। अब आप देख रहे हो ये नेगेटिव थी, ये देखिए पूरी की पूरी मतलब जॉइंट हो गया, परमानेंट जॉइंट हो गया, देखिए। ओके, हाँ, अब हम इनको निकाल के यहाँ पे एक जगह पे रखेंगे।
ओके हमने सारी प्लेटें कंघी से निकाल के बाहर कर ली, उसको हम कहते हैं सेपरेटर। आप इसकी क्वालिटी देखिए, ये किससे बना होता है? ये पीवीसी है। ओके इसको हम इस तरीके से हर प्लेट पे इस तरीके से इंस्टॉल करते हैं, जैसे कैडबरी के ऊपर हम लोग रैप लगाते वैसे। हाँ तो फर्क यही है ना बॉस, कैडबरी पे रैप कौन सा लगाया? राइट। चॉकलेट पिघल के कहाँ जाएगी? ये इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आपने उस पर पेपर तो पूरी तरह से ऊपर से नीचे से सब जगह से पैक हो गया, नीचे से खाली रहेगा, रीजन बिंग की फिर इसका केमिकल रिएक्शन कैसे होगा। राइट। बट है कि इस प्लेट में से कुछ भी डिस्ट्रैक्शन होगी या कुछ भी होगा तो दैट विल नॉट बाकी प्लेटों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये सारी प्लेट्स को हमें सभी प्लेट्स को हम कवर करेंगे। राइट। ये एक 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 सबको लगा रहे, सबको कवर करेंगे। अभी आपने देखा नेगेटिव का सेट ये तैयार हो गया। राइट। ठीक, ये पॉजिटिव का सेट है। पॉजिटिव पे कवर नहीं लगता है क्या? नहीं कवर है ना सर, ये देखो। अच्छा ओके, ये व्हाइट कलर का कवर, ये ट्यूबलर है। मैंने आपको बताया था ट्यूब की फॉर्म में, इसलिए इसको हम ट्यूबलर कहते हैं। राइट। अब हम क्या करेंगे, दोनों को मिक्स करेंगे क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव जब तक साथ नहीं आएंगे तो कोई कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं। राइट। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड साथ में चाहिए। राइट। कभी कुछ होगा, इस तरीके से हम इसको टैप इन करेंगे तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर हुआ, ऐसे पजल जैसा लॉक कर देना। एग्जैक्टली एक स्ट्रक्चर हुआ, इंटरलॉक रहेंगे। राइट। एक ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर है, ऐसे ही एक मेरे हाथ में दो तीन चार पाँच छः होंगे। अच्छा मतलब ये ऐसे एक स्ट्रक्चर बना, ऐसे छह स्ट्रक्चर एक बैटरी में जाएंगे। 160 एच की जो बैटरी हम बना रहे हैं उसके छः सेट जो है कॉम्बिनेशन तैयार कर लिए हमने, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स इंटरलॉक्ड हैं। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 आपने स्केलेटन तैयार कर लिया। राइट। सब कुछ कर लिया, अभी मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉक्स। इस बॉक्स को इस मशीन पे रखेंगे, ठीक है। इसमें हम बीच में जो आपने अभी देखा है प्रोसेस में, उसमें बीच में होल करेगा, इसको हम होल पंचिंग मशीन कहते हैं बेसिकली। मतलब बॉक्स में होल हो जाएंगे इजीली। इजीली होल हो जाएंगे। और ये डिब्बे को, और ये इसने पंच कर दिया। ओके अब हम इसको निकालेंगे। अब आप देखेंगे कितने प्रिसिशन से होल हुए हैं ये। अच्छा मतलब ये मशीन का काम सिर्फ होल करना है। होल करना है बट एक मेजरमेंट के हिसाब से होल। ओके ये सारे होल्स हो गए। मतलब हम इसको उठाएंगे डिब्बे को और आगे वाली यूनिट में लेके जाएंगे, जहाँ पे हम इसमें अपना जो हमने स्केलेटन तैयार किया था उसको फिक्स करेंगे। ओके जैसे मैंने आपको पहले बताया था क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। राइट। ये प्लास्टिक की जाली है। अच्छा ये जालियाँ लगती है। हमने एक सेपरेटर लगाया था, हम एक दूसरा सेपरेटर और लगा रहे हैं। Okay. एक इस साइड से एक इस साइड से, सो दैट जब बैटरी ट्रांसपोर्ट पे जाती है तो उसको स्पेस ना मिले कि वो बहुत ज़्यादा हिल पाए। राइट। अभी मैं आपको इसको डाल के दिखाता हूँ। ये इसका वो है, ये बिल्कुल टाइट फिटेड है, टाइट फिटेड। अब ये हिलेगा नहीं। राइट। जब ट्रांसपोर्ट में हिलेगा तो कुछ हिलेगा तो हो सकता है, कई बार जॉइंट टूट जाता है, कुछ हो जाता है, बट अभी हिलेगा नहीं है। राइट। ये फिक्स हो गया। जाली बहुत महंगी नहीं है बट क्वालिटी कंट्रोल के लिए अगर आप इसको लगाते हैं तो आप ही का फायदा है उसमें, कस्टमर का भी और आपका भी। तो सर ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भी सेम प्रोसेस बैटरीज बनाती, कुछ अलग होता है? ऑलमोस्ट 100% सेम प्रोसेस है। वेल्डिंग हाथ से करनी पड़ेगी, मैकेनिकल काम है, मशीन ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक हो सकती है बट बाकी काम तो सेम होगा। राइट। अभी आपने देखा ये बॉक्स के अंदर सारे पैक हो गए, आप एक बार ऊपर से भी देख सकते हैं। आपको पंचिंग का प्रोसेस बताता हूं, ये मशीन पंच करेगी इनको। मशीन का काम पंचिंग है, वेल्डिंग और पंच करेगी। अगर ये होल थोड़े से भी माइनस प्लस होंगे तो बैटरी क्वालिटी में बहुत फ़र्क पड़ता है। और नहीं जरूरत है, अभी आपको दिखाएगा पंच कैसे करते हैं। आ जा आगे। अब जैसे आप देख रहे हैं वो प्रॉपर सेटिंग के साथ, मतलब होल के हिसाब से लगा रहा है, होल भी मैच करेगा, सब करेगा, हर सेक्शन अलग अलग पंच होगा। अभी आपने देखा पंच हो गई, ये सारे पॉइंट्स टर्मिनल सारे सेट हो गए, अब हम उसको आगे लेके जाएंगे। अब इसमें क्या किया, अब हम टेस्ट कर रहे हैं कि कोई भी वेल्ड जो हमने अभी पंच किया था साथ में आपस में कनेक्शन किए थे, उसमें कोई अगर प्रॉब्लम होगी तो इग्नाइट करेगा, यहाँ पर रेड लाइट जल जाएगी। ओके फिर रेड लाइट जल नहीं रही ना अगर रेड लाइट, हाँ अभी इसका मतलब ठीक है। इस बार चेक करने के बाद फिर हम यहाँ पर दोबारा से आगे बढ़ेंगे।
ये इसे हम कहते हैं हॉट सीलिंग प्लांट। ओके, ये पूरा सील करने के लिए, ये बेसिक सील करने के लिए है। ये हमने एक रबर का वो उसमें डाला है। अभी क्या है कि हमने ये लगाया स्लिप सो दैट कि इसके अंदर कोई लेड ना जाए, राइट। और अभी हम इसमें इसका बॉक्स का जो टॉप है उसको फिक्स करेंगे। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा ना, ये पॉजिटिव लिखा हुआ है, वो नेगेटिव लिखा हुआ है, सो दैट कॉम्बिनेशन प्रॉपर रहे, right. अब हम इसको सील करेंगे। सील का मतलब ये है कि इसमें से 1% भी कोई भी, ये जो दोनों बॉक्सेस और इसका लेड है, right. इसके बीच में कोई 1% भी गैप नहीं रहना चाहिए, 0.1% भी नहीं रहना चाहिए। आसन पंच करेंगे इसको। okay. इस तरीके से हीट से okay. अब ये सील हो गया। अच्छा, अपने आप उठेगी जब अपना काम पूरा करेगी। टाइमिंग सेट होता है ना, इतने ठंडा होने के। अभी आपका पैक सील हो गया। अच्छा, ओके। अब इसमें कहीं पे कोई वो नहीं है। इसके बाद हम इसको लाएंगे यहाँ पे। ये आपने दो पोल्डाई बनाई थी, अब हम इसको उसमें फिक्स करेंगे। नेगेटिव पॉजिटिव, फिर इसको दोबारा से वेल्ड करेंगे। ओके, अभी हसन आपको दिखाएंगे वेल्ड कैसे होगा करके। तो ये पोल डाई स्टिक हो गई इस पर, वैसे जैसे पहले बताया था नेगेटिव पॉजिटिव। अभी आपको डेमो के लिए बता रहे हैं सिर्फ, डेमो के लिए बता रहे हैं सिर्फ। ये लेवल का मतलब होता है कि वाटर लेवल क्या है आपका। ओके, और हमेशा ध्यान रखिए अपनी बैटरी में 0 TDS का डिस्टिल्ड वाटर डालेंगे आप। ओके, अगर उसका TDS में कुछ माल फंक्शनिंग है तो आपकी बैटरी ख़राब करेगा, लाइफ कम करेगा। ओके, ये लेबल लग गए, जितना वाटर आएगा उतना लेबल कट कर। ये बेसिकली इंडिकेटर है कि आपका पानी कम हो रहा है तो आप उसको रिफिल करिए। ये अभी तैयार है, सिर्फ इसमें एक स्टिकर लगेगा एंड उसके बाद आप उसको बॉक्स में रख सकते हैं, कार्टन में, उसको फिर बेच सकते हैं। मार्केट में सेल करने के लिए, मार्केट के सेल करने के लिए रेडी। अब आपको एंड यूज़ बताते हैं। एंड यूज़ है कि ये आपने पोल देखे थे अभी, ये वायर लगा है पॉजिटिव। ओके, ये नेगेटिव, ये इन्वर्टर के अंदर गया, यहाँ से इसकी पावर जनरेट होती है, बैटरी चार्ज होती है ऑटोमेटिकली। ओके, और आपको पावर देती है इनकेस इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो। ओके, अभी बताया था आपको बैटरी तैयार हो गई, सारे प्रोसेस से कंप्लीट हो गई। तो हम दो तरीके से स्टोर करते हैं बैटरी, एक ड्राई बैटरी जिसे हम कहते हैं, उसमें हम कोई एसेट या वाटर नहीं डालते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि उसकी लॉन्गेविटी बढ़ती है, जिस दिन हमने ऐसी एसेट डाल दी उसमें वाटर डाल दिया तो उसकी प्रोसेस चालू हो गया। ओके, तो इसके लिए हम दो स्टॉक रखते हैं, एक ड्राई स्टॉक रखते हैं, एक रेडी टू गो स्टॉक रखते हैं। ओके, तो ये केमिकल के ड्रम है, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड प्लस डिस्टिल वाटर विच इज 0 TDS। अच्छा, तो उसको डाल के उसके ये जो लिक्विड है दोनों, हाँ, वो हम लोग पूरे बैटरी में डालते हैं। ये बैटरी ऊपर का ढक्कन है उसमें, हाँ, डाल देते हैं, हाँ, फिर ये डायरेक्टली मार्केट में सेल करने के लिए। नहीं नहीं नहीं, अभी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, अभी वो बचा है कुछ। अच्छा, इसको हमने वाटर डालने के बाद हम इधर आते हैं। ओके, इसके लिए 24 आवर्स चाहिए कम से कम। अच्छा, फिर हम यहाँ आते हैं। ये चार्जर्स है। ओके, इसमें बैटरी चार्ज होगी फॉर एटलीस्ट फॉर 48 आवर्स। ओके, 48 आवर्स में चार्ज होने के बाद इट्स रेडी टू सप्लाई। अच्छा, तो जितनी हमारे पास सप्लाई आती है या डिमांड आती है उसी हिसाब से हम ये वाला प्रोसेस करते हैं, अदरवाइज ड्राई बैटरी मैंने चार बैटरीज आई तो चार बैटरीज में लिक्विड डालो, हाँ, फिर उसको चार्ज करो और फिर भेज दो। 48 आवर्स का लैग टाइम है। तो सर, अभी हम लोगों ने देखा जो बैटरी हम लोगों ने बनाई जी, और आपने पूरा प्रोसेस समझा। अगर किसी को बैटरी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करना है तो वो कैसे शुरू कर सकता है आपके साथ जुड़कर? देखिए, बड़े फ्रैंकली बताऊँ, आप कोई भी चीज़ करते हैं तो दैट हैज़ टू बी ड्रिवन विद अ पैशन, नंबर वन। नंबर टू, अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आगे में आएगी नहीं। तो जैसे मैं आपको शुरू से बोल रहा हूँ कि सारे क्वालिटी चेक्स, सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड हो जाएंगी जिस टाइम पे, फिर आपको मार्केट में किसी बड़े ब्रांड से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं अगर कोई आना चाहता है तो इस प्लांट को बेचना चाहता हूँ। अच्छा, नंबर वन। नंबर टू, मैं उसको हैंड होल्डिंग करके दूंगा। किसी को भी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करना है तो आपसे जुड़कर शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। ये पूरा प्लांट सर को हैंड ओवर करना है ऐसे पर्सन को जिसे बैटरी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करना है। शुरू करना है, प्लस आपने कुछ नहीं करना है यहाँ पे। यू डोंट नीड, आपको एक पेचकस भी नहीं लेके आना है। मैं बड़ी लिमिटेड सी बात कर रहा हूँ, पेचकस नहीं लाना। अच्छा, मतलब वो भी नहीं लेके आने का। अच्छा, जस्ट अभी आपको दिखाया था मैंने, जस्ट स्विच ऑन द बटन एंड यू आर रेडी टू वर्क। रेडी टू वर्क, सिर्फ रॉ मटेरियल मंगाइए। अच्छा, रेडी टू वर्क।
ओके। तो सर अगर कोई ये बैटरी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करता है, मतलब आपके प्लांट में बैटरीज बनाने का काम शुरू करता है, तो वो कौन से टाइप की बैटरीज बना सकता है वो ज़रा बताइए। ऑटोमेटिव, सोलार, ई रिक्शा, जो मैंने आपको चार सेगमेंट बनाया सारी बैटरी बना सकते हैं उसमें भी, फिर छोटी बड़ी सब कुछ, सभी कुछ उसमें भी कैटेगराइजेशन है, वो डिपेंड करता है एज के हिसाब से, मतलब उसकी पावर के हिसाब से। तो ऑलमोस्ट हम जो बना रहे थे 42 किस्म की बैटरीज बना रहे थे, ही कैन एक्सपेंड इट टू एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो सर अगर किसी को ये बैटरी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करना है या फिर यही प्लांट को एक्वायर करना है या खरीदना है, तो फिर उसमें क्या क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा? हाँ, क्योंकि मशीनरीज और बाकी सबकी बहुत सारी कॉस्ट होती है। हाँ, मैं अपने प्लांट की बता सकता हूँ कि मैंने जितना मैं आपसे डिमांड कर रहा हूँ उससे ज़्यादा मैंने इसमें इन्वेस्ट करा हुआ है, विच इंक्लूड्स लैंड, इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी, एवरीथिंग। तो आई एम आस्किंग फॉर 3 CR ओके फॉर द प्लांट। तो वो जो 3 CR का जो प्लांट है उसमें हमारे व्यूवर्स को क्या क्या मिलने वाला है, किसी को शुरू करना है तो उसमें आप क्या क्या दोगे? ये मैं आपको कम से कम मिनिमम मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ 6 महीने की हैंड होल्डिंग और मेरी करंट मार्केट। अच्छा, मतलब जो ऑलरेडी डिमांड है वो पूरा उसमें दे दो, वो उसमें दे पूरी मार्केट दे दो, पूरी मार्केट दूंगा। आई विल डू द फ्रंट फेस फॉर दैट, नंबर वन। नंबर टू, ही कैन कैरी माई ब्रांड ऑल्सो। अच्छा। जो मेरा ब्रांड है पावर एक्स ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है 6 साल से। हाँ। आप उसको ब्रांड करो, कोई इशू नहीं है। ओके, तो सर इतनी डिमांड है, जैसे आप बोल रहे हो इतनी डिमांड है, तो आप ये प्लांट बेच क्यों रहे हो? सबके माइंड में क्वेश्चन आता होगा ये। बिल्कुल ठीक बात है, और वी आर बीइंग वेरी ट्रांसपेरेंट। ये प्लांट हमारे फादर के अंदर था पहले, 6 साल से वो इसको हैंडल कर रहे थे, बट ही इज़ नॉट कीपिंग वेल ऑफ विद हिज हेल्थ नाउ, एंड वी आर इनटू सम अदर बिजनेसेस एज वेल। हमारे रिजॉर्ट्स हैं उत्तराखंड में, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का यहाँ पे काम की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमारा वर्टिकल अलग है। फादर इसको देख रहे थे, 6 साल अच्छी सेल करी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसीलिए हम इतना गारंटी लेने के लिए भी तैयार हैं। और हम आपको दिगारी सर ने बताया था 6 महीने की, मैं आपको और थोड़ा सा कमिट कर देता हूँ, 9 महीने या साल भर तक भी हम आपको हैंड होल्ड कर देंगे पूरे एंटायर मार्केट के लिए। सर कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं हमारे व्यूअर्स के मन में आता होगा? नहीं नहीं, कोई सर कोई फ्रॉड नहीं है। आप आइए मौके पर, सारी चीज़ें देखिए, बैटरी है आपके पास, आप रजिस्ट्री के पेपर चेक कर सकते हैं, प्लांट लगा हुआ है, पूरा प्रोसेस चेक करा दिया आपको, सारे पेपर वर्क चेक करके बाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो भी इंटरेस्टेड आपकी पार्टी है या जो भी इंटरेस्टेड आपके व्यूअर्स हैं वो आके यहाँ पे खुद अपनी तसल्ली कर सकते हैं, मौके पर प्लांट देख सकते हैं, जमीन के पेपर्स चेक कर सकते हैं और मशीनरी सारी चेक कर सकते हैं कि सब वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। और मैं खुद आपको बता रहा हूँ ये एक परफॉर्मिंग एसेट है, ये कोई एनपीए या कोई ऐसी कोई यूनिट नहीं है कि भाई परफॉर्म नहीं कर रही है, आप चलाने वाले आप चलाने वाले, कोई बैंक लोन नहीं है, कोई कुछ नथिंग, कोई नॉन लाइबिलिटीज। आप डे वन से आइए, चाबी लगाइए और स्टार्ट करिए, मार्केट अपना कवर करिए, माल बनाने के बाद जो आप मार्केट को भेज सकते हैं और डे वन से आप प्रॉफिट कमा सकते हैं इसमें। राजपूत जी, जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारे और भी बिजनेसेस हैं, तो रिजॉर्ट्स हमारा मेन बिजनेस है, एंड आप हमारे एक रिजॉर्ट पे खड़े हैं जहाँ मैं खुद ऑपरेट कर रहा हूँ और खुद मेंटेन कर रहा हूँ। हार्ट ऑफ ट्रेवलर्स इसका नाम है, भुजिया घाट नैनीताल में ये लोकेटेड है। और ऐसे हमारे पास 4 रिजॉर्ट्स और हैं उत्तराखंड में, तो इसका भी एक छोटा सा टूर हम आपको करा देते हैं। राजपूत सर, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि प्राइम लोकेशन देखिए, यहाँ पे पीसफुल कितना है, आप देख सकते हैं, पूरा कवर कर सकते हैं ना उसको। और ये अपना रिजॉर्ट है, दैट इज यस, दिस इज बेस्ड इन भुजिया घाट नैनीताल डिस्ट्रिक्ट हल्द्वानी और उत्तराखंड। आप लोग घूमना आना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप आ सकते हैं, श्योर शॉट नीचे नंबर दिया हुआ है। And this is a very peaceful area. ऐसे बहुत सारे resorts अपने हैं जो चल रहे हैं, तो we are not having time, we have little time. तो battery वाला plant अपन उसको condemn नहीं करना चाहते। We have got enquiries like machinery दे दो, ये दे दो, तो लेकिन हम इसको इसीलिए entertain नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा एक बना हुआ market है, इसलिए हम चाहते हैं कि कोई person उसको directly लेके चला ले। अब main बात आती है, batteries तो बना तो ली, market में बेचे कैसे? उसका कोई tip and trick होगा वो ज़रा बता दीजिए। सर मेरा तो एक ही टिप था, मैं मार्केट में जाता था वेइंग स्केल लेके, जिसको अपन तराजू बोलते हैं, राइट। मैं अपनी बैटरी अपनी गाड़ी में रखता था और उनसे बोलता था किसी भी ब्रांड की, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी ब्रांड, किसी भी ब्रांड की बैटरी उस तराजू पे रखो। सपोज मैं एक डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, उसका 40 kg वेट है, अगर मेरी बैटरी का वेट 40 kg भी निकलेगा तो मैं फ्री में छोड़ के जाऊँगा। ओके, सो दैट वॉज माई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। सर सबसे फेवरेट क्वेश्चन है हमारे व्यूअर्स का, कि कोई ये बिजनेस शुरू करता है, समझो 3 CR का अराउंड इन्वेस्टमेंट भी करता है, तो रिटर्न कितना मिलेगा, प्रॉफिट कितना होता है एक बैटरी के पीछे, मतलब एक बैटरी बेच दी तो कितना प्रॉफिट होता है और कितना कमा सकता है महीने का, वो ज़रा समझिए। तो अभी हमने इन्वर्टर की बैटरी बनाई, इसकी कॉस्ट करीब करीब 7,500 rupees, विच इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग, लाइट चल रही है, सब कुछ, मशीनरी चल रही है, टेक्नीशियन काम कर रहा है, सब कुछ है, राइट। और निकल कितना जाता है एक बैटरी? मैं अपने डीलर को देता हूँ 10,000 rupees में ये बैटरी। अच्छा,
मेरा डीलर इसी बैटरी को 14,500, 15,000, 16,000 वो जो बेचता है मुझे नहीं पता. ओके, तो दैट इज़ द काइंड ऑफ मार्जिन. मतलब मेरा मार्जिन कम है, डीलर का ज़्यादा. तो दैट्स द रीज़न वो मेरी बैटरी बेचता है. तो महीने की कितनी कमाई हो जाती है? वो डिपेंड करता है, सीजन टू सीजन डिपेंड करता है. लेकिन उसमें यह है कि अब मैं ऐसे कैटेगरीली ये नहीं कह सकता कि कितनी कमाई हो जाती है. एवरेज कितना निकल जाता है? एवरेज हमने लास्ट ईयर 5 CR किया था, आप उसमें कैलकुलेट कर लो. ये कि एक साल में 5 CR का प्रॉफिट, ये सिर्फ वन शिफ्ट में. ओके, 25-30% तो बरोबर. तो दोस्तों, अगर आपको ये बैटरी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करना है और सर का प्लांट बना बनाया जो प्लांट है, बना बनाया सेटअप लेकर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करना है, तो सर का कंपनी का जो नंबर है मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर एड्रेस सब कुछ है. तो आप खुद इन्हें पर्सनली मिलकर खुद यहाँ पे प्लांट विजिट कर सकते हो, सब कुछ देख सकते हो. अगर आपको सेटिस्फैक्ट्री लगता है कि आप ये बिजनेस कर सकते हो सर से जुड़कर, क्योंकि सर भी आपको पूरा गाइडेंस देंगे, अगर आपको लगता है कि आप ये इंडस्ट्री को और बड़ा कर सकते हो, तो आपको बना बनाया प्लांट मिल जाएगा. आपको सिर्फ आपका दिमाग लगाना है, सेल्स में कन्वर्ट करना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है और मार्केट में सीधा बेचना है.